वंदे मातरम बच्चों बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पास कंटिन्यूअस टेंस शुरू किया था। प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट में हमने सारे टाइप के सेंटेंस कर लिए, सारे टाइप के वाक्य कर लिए हैं। और प्रेजेंट टेंस अगर आपने अच्छे से किया होगा तो पास्ट टेंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ही टेंस हम पर्टिकुलरली करते हैं तो बस दूसरे टेंस में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती है। जैसे कि प्रेजेंट था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स अलग थे और इसमें अलग रहेंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। तो हमें कोई भी, अगर आपने पहला टेंस एकदम पक्का किया होगा तो इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, अफर्मेटिव और निगेटिव हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी टेंस हो, अगर उसका अफर्मेटिव कर लिया तो फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, बस थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ हर टाइप के वाक्य उसके हो जाते हैं, फिर भी हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब में इसके आपको क्या बताए थे, वॉज और वर, जिसमें हमने कहा था कि भाई वॉज जहाँ पर भी सिंगुलर है, किसी भी एक वचन का प्रयोग हुआ है, जैसे कि ही है, शी है, इट है, या फिर किसी कोई एक व्यक्ति का नाम हो, फिर वो मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, या फिर कोई एनिमल हो, या फिर कोई चीज़ हो, ठीक है, किसी भी एक के बारे में बात की हो तो वॉज लगता है। एक्सेप्शनल आई जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, उसके साथ वॉज ही आता है। फिर है दूसरा हमारा वर्ब वी, यू, दे, इनके साथ जो प्लूरल है, वी, हम, यू, आप, वर, सॉरी, दे, वे, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी का नाम दिया हो, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की हो, तो आता है वर। ये तो हुई बेसिक बातें। शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले, जैसे हमारा अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट आगे था और हेल्पिंग वर्ब बाद में थे, वॉज वेर हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इंट्रोगेटिव होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बाकी की शुरुआत में आ जाता है। तो वैसे हमने वॉज वेर आगे ले लिया, फिर हमारा सब्जेक्ट करता, ठीक है, फिर हमारा मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है। कोई भी अगर चालू काल हो, कोई भी अगर कंटिन्यू टेंस है, तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, वो आ जाती है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं पहला सेंटेंस, क्या तुम यहाँ आ रहे थे, क्या तुम यहाँ आ रहे थे, कि अभी इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, सेकेंड पर्सन यू, ओके, तो यू है तो उसके साथ क्या लगेगा, वर, वर यू आना, उसके लिए क्या, कौन सी वर्ब लेते हैं हम, कम, ठीक है, तो कम के साथ हमारा क्या लग जाएगा, आई एन जी, वर यू कमिंग यहाँ, तो हेयर, वर यू कमिंग हेयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्या तुम चित्र बना रहे थे, अगेन हमारा यू सेकेंड पर्सन, तो उसके साथ हमने वर लिया, वर यू ड्रॉइंग, चित्र बनाना, तो ड्राइंग बनाते हैं ना, ड्राइंग द पिक्चर, ठीक है, इसमें आप मेकिंग द पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन पिक्चर हमेशा ड्रॉ की जाती है, इसलिए हम ड्राइंग द पिक्चर लेते हैं। फिर क्या तुम कबड्डी खेल रहे थे, अगेन हमारा यू आया, तो फिर यहाँ पे वर आएगा, वर यू खेलना, हमारी मेन वर्ब है तो उसके लिए आएगा प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा प्लेइंग, वर यू प्लेइंग द कबड्डी, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इंट्रोगेटिव तो कंप्लीट हो गए हमारे। अब इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में चेंजेस क्या है, एज यू नो ऑलवेज क्या करते हैं हम, कि भाई सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली हमारी आगे लग जाती है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब आई एन जी के साथ और ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो डब्ल्यू एच फैमिली हमें आगे जोड़ देनी होती है, तो उसी से प्रश्न बनता है। तो कैसे होगा, देखिए, क्या तुम यहाँ आ रहे थे, इसी वाक्य को मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे, क्या तुम यहाँ आ रहे थे, फिर भाई क्यों आ रहे थे, क्यों लगा दिया, हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो कैसे हो जाएगा, क्यों, क्यों के लिए इंग्लिश तो आती है वाई, वाई वर यू कमिंग हियर, क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा, तुम कबड्डी कहाँ खेल रहे थे, क्या तुम कबड्डी खेल रहे थे, इसी को हमने प्रश्न एक इसमें क्या जोड़ दिया, कहाँ, डब्ल्यू एच, तो कहाँ, वेर, इसकी इंग्लिश होती है ना, वेर, वेर वर
यू प्ले द कबड्डी, ठीक है। फिर ये तुम क्या देख रहे थे, क्या व्हाट व्हाट क्या क्या की इंग्लिश होती है ना, व्हाट वर, क्योंकि हमारा आया है यू तो उसके साथ हमारा आया वर, व्हाट वर यू देखना तो वॉचिंग क्वेश्चन मार्क, क्लियर। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, बस कोई चेंजेस नहीं, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो गया, डब्ल्यूएच फैमिली आगे आ गई, व्हाई वर व्हाट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट, क्लियर। और कुछ ज़्यादा आपको इसमें करना नहीं है। फिर हमने लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ आइडेंटिफाइंग वर्ड्स लिखवाए थे जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें मैंने और दो लिखे कि जैसे कि व्हेन और व्हाई एज इनका यूज होता है कि जब भाई जब ऐसा हुआ था, जब मैं वहाँ गया था तब ऐसा मैंने देखा था, तो वो गए थे वो तो भूतकाल में हो गया लेकिन तब कुछ ऐसा चल रहा था, मतलब कंटिन्यू था, ऐसे भी कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं ना, तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो व्हेन के बाद सिंपल पास्ट वाला कोई भी उसके बाद जैसे मेन वर्ब वर्ब दी है उसके उसको पास्ट में लिखा होगा, ठीक है, वी टू जैसे उसका यूज किया होगा, फिर व्हाइल और एज अगर होगा तो फिर उसके आगे कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं व्हेन आई came to my friend's house, he was studying maths। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस समझने के लिए कि भाई व्हेन आई केम टू माय फ्रेंड्स हाउस ही वाज स्टडीइंग मैथ्स, जब मैं मेरे दोस्त के घर गया था, देखिए मैंने यहाँ कम नहीं लिया है, कैम लिया है, वी टू लिया है, कम कैम कम, ठीक है, तो कैम हमारा क्या है, वी टू है, व्हेन के बाद हमारा वी टू आया, मतलब पास्ट टेंस आया, ठीक है। फिर अगर दूसरा वाला वाक्य उसके साथ है तो वो आईएनजी वाला आएगा, मतलब कंटिन्यू, मतलब ये घटना हो चुकी है भूतकाल में लेकिन तब वो चल रही थी, जब मैं मेरे दोस्त के घर गया था तो वो मैथ्स की पढ़ाई कर रहा था, ये कंटिन्यू में दिखाया है, ठीक है, लेकिन है ये पास्ट वाला, तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो मतलब ऐसे भी कुछ सेंटेंस हम पास्ट कंटिन्यूअस में इनका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूएच में ही आएंगे, ओके। अब एक्सरसाइज की कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, आई होप कि बहुत आसान है, आपने प्रेजेंट कर लिया तो पास भी कर ही लेंगे और आपको समझा भी दिया है, एकदम आसान है। एक्सरसाइज में पहला वाक्य है, खाली जगह ही हूँ, खाली जगह, विथ योर मदर एट दैट टाइम, वर्ब है आपके टॉक, TALK टॉक, बात करना कि भाई क्या तुम तब अपनी मम्मी से बात कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड है ब्लैंक, यू ब्लैंक, व्हेन वी रैंग द डोर बेल, मेन वर्ब है आपकी ईट, खाना खाना, कि भाई जब हमने डोर बेल बजाई तब तुम क्या खाना खा रहे थे। तीसरा है व्हाट ब्लैंक, द चिल्ड्रन ब्लैंक योर यस्टरडे एट 8:30 PM, ठीक है, कि भाई कल, हाँ यहाँ पे आपकी वर्ब आएगी डू, ठीक है, भाई कल शाम को 8:30 बजे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे, मेन वर्ब है आपकी डू। फिर चौथा खाली जगह, दीप खाली जगह, व्हेन हिज मदर अराइव्ड, मेन वर्ब है आपकी क्राई, रोना, ठीक है, कि भाई जब दीप की मम्मी आई तो दीप क्या रो रहा था, लाइक दिस। पांचवा है हू खाली जगह एट दैट टाइम, करीना, मेन वर्ब है आपकी सिंग, कि भाई उस समय कौन गा रहा था, करीना को सवाल पूछा गया है, मेन वर्ब दी है सिंग, गाना गाना, ठीक है, इतने आप करिए, फिर अगले लेक्चर में हम अगला टेंस शुरू करते हैं, तब तक वंदे मातरम।